अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसन अली और आप देख रहे हैं एहसन अली रेसिपीज़। आज जो मैं रेसिपी बनाऊंगा वो है रोल की, आलू पोटैटो के रोल मैं बनाऊंगा। रेसिपी बहुत सिंपल और इजी है। उसके लिए हमने लिए हैं ये आलू बॉयल किए हुए, उसको हमने मैश कर लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो साथ हमने लिए हैं पट्टियाँ जो आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये आलू का जो मसाला जो हम इसे रोल के अंदर फिल करेंगे उसके अंदर हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले 1 चम्मच जो लेंगे नमक का, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी का लेंगे, 1 धनिया पाउडर 1 चम्मच डालेंगे, 1/2 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह करेंगे मिक्स। रोल्स की जो फिलिंग है वो तकरीबन रेडी हो गई है, ये आप देख सकते हैं। आलू को अच्छी तरह से मिक्स और मैश कर लिए। अब इसमें मैं डालूँगा हरी मिर्च ब्रीक कटी हुई, बिल्कुल ब्रीक कटी होनी चाहिए हरी मिर्च, उसको मैं कर लूँगा अच्छी तरह से मिक्स। फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इस बारी आती है इसके रोल के अंदर फिल करने की। अब मैं बनाऊंगा रोल, किस तरह इसको फिल करके रोल को बंद करना है। ये मैंने बनाया है मैदे के अंदर पानी मिक्स करके, उसका टेक्सचर सा बनाया है। इसको फिलिंग करने के दौरान उसको जो बंद करना है उसके साथ ये अच्छी तरह जो है ना वो चिपक के बंद हो जाएगा रोल, ये आप देख सकते हैं। इसको दोनों साइडों पे लगा लूँगा मैं, इसके साथ अच्छी तरह से ये बंद हो जाएगा दोनों साइडों से। ये आप देख सकते हैं रोल सारे मैंने फिल करके रेडी कर लिए हैं। अब इसको करूँगा मैं डीप फ्राई। अब मैं करूँगा रोल्स को फ्राई। ये पहला रोल डाल रहा अंदर फ्राई करने, और याद रखना जब भी ये रोल्स फ्राई करने फ्लेम अब वो ना तेज़ हो ना कम हो, मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर, जब तक ऑयल गर्म ना हो जाए तब तक इसके अंदर ये रोल नहीं डाल। देख सकते हैं रोल जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तो कलर जो है वो लाइट गोल्डन हो गया।
रोज़ जो बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अब इसको निकाल लेंगे हम प्लेट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।